144 लागू है यहाँ पर और उसका उल्लंघन मत करिए, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम 144 का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितने लोग 144 का एकदम हम एक राजनीतिक और सामाजिक संस्था है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़े। ये अत्यंत भले COVID-19 और तमाम पाबंदियां हैं, उसके बावजूद भी सरकार को भी आधार रखना चाहिए, उसको भी ऐसे जन विरोधी फैसले नहीं लेने चाहिए थे इस कोरोना काल में, जहां किसान दो तरीके की किसान के इतिहास में डीजल पेट्रोल के पार है। यही सरकार जब कांग्रेस सरकार में थी, यही विपक्ष में प्याज और सब्जी की माला पहन के संसद भवन नाचा करते थे इसी महंगाई पर। आज ये जनता से किए हुए वादे भूल गए, सरकार का दोहरा मापदंड है। आप देख रहे हो कि एक इंच भी सरकार की आवाज उठाने का अवसर हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। लगातार कांग्रेस कार्यालय की घेराबंदी हो रही है, पिछले बार भी घेर लिया गया, इस बार भी घेर लिया गया। जब जब हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तब तक आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हम राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संस्था हैं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोरोना जैसी त्रासदी में जनता को परेशान करने वाले निर्णय सरकार लागू कर सकती है, तो उन निर्णयों का विरोध करने की नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती है। और हम हर हाल में इन पेट्रोल डीजल के मूल्यों की वृद्धि को वापस लेने के लिए संघर्षरत रहेंगे। आज आप लोगों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया? हम लोगों ने आज बैलगाड़ियों पे, आपने देखा, घोड़ा गाड़ियों पे मोटरसाइकिलें ली हैं और प्रोटेस्ट हमारा जारी था। बारिश भी है, तमाम मौसम चुनौतियां हैं, मगर अब आप देख रहे हो पुलिस प्रशासन के दम पर हमारे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो भी आगे निर्णय होगा हम लोग करेंगे। ये देखो मोदी का खेल, गरीब विरोधी ये सरकार, कहीं चलेगी नहीं चलेगी। गरीब विरोधी ये सरकार, कहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार, कहीं चलेगी नहीं चलेगी। गरीब विरोधी ये सरकार, कहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार, कहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये देखो मोदी का।